अजमेर शहर व्यापार महासंघ ने की प्रेस वार्ता, नाइट कर्फ्यू में परिवर्तन को लेकर सरकार को दिया अल्टीमेटम। अजमेर शहर व्यापारी महासंघ ने आज प्रेस वार्ता कर सरकार को 3 दिन में नाइट कर्फ्यू समय में परिवर्तन के लिए अल्टीमेटम दिया है। व्यापारियों का कहना है कि रात्रि कर्फ्यू में बदलाव नहीं किया गया, ऐसे में सभी व्यापारियों व फुटकर दुकानदारों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसे में अगर सरकार ने 20 तारीख तक समय में परिवर्तन नहीं किया तो आगामी दिनों में प्रदेश भर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, साथ ही अजमेर नगर निगम चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय भी लिया जा सकता है। ऐसे में मीडिया के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी गई कि व्यापारियों का कहना है कि एक तरफ से सरकार कर क्यों लगा रही है, दूसरी ओर चुनाव सहित विभिन्न सरकारी आयोजनों में सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। प्रदेश भर में ये आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं, किस तरह से आंदोलन चलेगा, अजमेर में निगम चुनाव भी हैं, उसको लेकर क्या कहना है? हम लोगों ने आज जो आप लोगों को इनवाइट किया है वो इसलिए किया है कि आज व्यापारी वर्ग पूरी तरह से रुष्ट हो चुका है। आज इतने समय इन लोगों ने टाइम पे टाइम बढ़ाया, 7 बजे बाद बिजनेस बंद हो जाता है। 7 बजे बाद बिजनेस बंद होने का मतलब है व्यापारी आर्थिक रूप से कमज़ोर होना। आज 3 साल के अंदर व्यापारी पूरी तरह से, 3 महीने में व्यापारी जो हुआ, 1 साल से ये कोरोना का जो चल रहा है उसके अंदर हर तरह से व्यापारी के ऊपर हर तरह से आर्थिक रूप से भी परेशानी आई है। दुकानदारी पूरी तरह चली नहीं है, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, छोटे व्यापारी, ठेले वाले, रेस्टोरेंट वाले और जितने भी होटल्स हैं वो हर तरह से नीचे, काफ़ी अपने बिजनेस में काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं। अब हमारी मुख्यमंत्री साहब से ये प्रार्थना है कि हमारे को इस समय की पाबंदी से निकालें और जैसा आप पहले चलता था उसी अनुसार हमारे को अपनी आज्ञा प्रदान करें तो हम ठीक है। और अगर हमारे को 20 तारीख तक अगर उन्हें हम अगर ये टाइम का वो नहीं लगाया, बदलाव नहीं किया, तो हम 20 तारीख के बाद में अपने व्यापारी सब अजमेर के और पूरे राजस्थान के व्यापारी हमारे साथ में आए हैं, उन लोगों ने भी कहा है कि किसी भी तरह से दबाव में न आकर के और आगे अपने विचार स्वतंत्र रूप से हम लोग स्वतंत्र होंगे और अपनी जो भी हमारी आगे की कार्यक्रम है, अगर हमें बाज़ार बंद करना पड़ा तो बाज़ार बंद भी करेंगे, अगर हमें किसी और आंदोलन में जाना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे, और अगर किसी तारीख के अंदर, जैसे आज की तारीख के अंदर चुनावों का माहौल है, व्यापारियों का अगर किसी तरह से हमारा सब संगठन एक दरी पे बैठता है, अगर व्यापारी चाहते हैं तो इसमें कांग्रेस को भी बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। और हाँ, इसमें व्यापार से, व्यापारियों से आज प्रदेश सबसे आगे विकास की तरफ बढ़ रहा है और व्यापारी हर तरफ से प्रगति के मार्ग के ऊपर चलने को अग्रसर है। व्यापारी भी चाहता है कि भाई सरकार हमारा साथ दे, और सरकार अगर हमारा साथ नहीं देती है तो व्यापारी भी फिर एक तरफ अपने आप को मानस बना करके उसको अपनी दूसरी तरफ देखना पड़ता है। अगर सामने वाली दूसरी पार्टी अगर उसका साथ देती है तो वो उसकी तरफ भी झुक सकता है, और अभी चुनाव का माहौल है, या तो अपने आप को वो सुधार करके और हमारी बात के ऊपर गौर करें, नहीं तो फिर हम आंदोलन करेंगे और इसके ऊपर हम अपने आप में स्वतंत्र हैं। किशन गुप्ता, शहर व्यापार संघ महासंघ अजमेर। मैं अजमेर शहर व्यापार संघ का संरक्षक भगवान चंदीराम। हमारा सरकार से ये निवेदन है कि व्यापारी एक ऐसी संस्था है जो सरकार को हर तरह से सहयोग करती है, राजस्व देती है, सारा डिसिप्लिन मानती है, और आज तक जितना भी सरकार ने गाइडलाइन दिया है उसकी पालना की गई है। लेकिन आज हम व्यापारी इस मांग को रख रहे हैं कि केवल मात्र जो इस कर्फ्यू का समय है उसे बढ़ा करके 10 बजे तक का कर्फ्यू रखा जाए, जिसमें 9 बजे तक संस्थाएं खुली रहें, जिससे व्यापार सुचारू रूप से चल सके और आम जन को जनहित में कोई तकलीफ ना हो। इसके लेकर कोई अल्टीमेट भी दे रहे, कोई टाइम वगैरह? हमें सरकार से इस मंच से ये कहना है कि यदि हमारी मांग स्वीकार की जाती है तो हम उनके आभारी रहेंगे, अन्यथा हमको कोई आगे जा कर के इस तरह का आंदोलन करना पड़ेगा जिससे कि हमारी व्यापार सुचारू रूप से चल सके। भगवान चंदीराम, संरक्षक अजमेर व्यापार संघ।